Hey everyone, I hope you all are doing well. After long time, मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेकर और ये बहुत ही अच्छी बनती है. तो हम बनाएंगे आज मिल्क केक, वो भी बिना किसी ज़्यादा तामझाम के. तो मैंने कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाला है. अब मैं इसमें फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ, अमूल का फुल क्रीम जो मिल्क है वो डाल देंगे इसमें. पानी मैंने इसलिए डाला था पहले थोड़ा सा, ताकि कढ़ाई में दूध जो है वो चिपके नहीं. अब मैं इसमें थोड़ा सा ये नींबू का रस डालूंगी, ये आधा नींबू काट के मैंने यहाँ पे 2 पैकेट दूध लिया है, लगभग 1 किलो. अब मैं इसमें थोड़ा 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 करके नींबू डाल दूंगी छलनी की मदद से, ताकि इसमें बीज जो है नींबू के वो ना जाए. और इसको चलाते हुए हम कंटिन्यू उबाल लेंगे, ताकि दूध जो है वो अच्छे से फट जाए. ये देखिए दूध धीरे धीरे फटना शुरू हो गया है. और बहुत ही अच्छा मिल्क केक बन के तैयार होता है इससे. मतलब आप अगर घर पे बनाना चाहें तो इस तरह से ज़रूर एक बार बना के देखें. कई बार क्या होता है कि हम खीर बना के या फिर कस्टर्ड मिल्क शेक बना के बोर हो जाते हैं, तो हमें इस तरह से घर पे कई तरह की अलग अलग मिठाइयाँ बनाने को मिल जाती हैं दूध से. तो अब ये दूध में अच्छे से उबाल आने तक देखिए, ये मैंने पका लिया है और ये दूध छनक के आधा हो के आए पूरा. मैंने इसमें से बिल्कुल भी पानी वानी कुछ नहीं निकाला है. और ये देखिए दूध एकदम फट के गाढ़ा होना शुरू हो गया है. इसमें मैंने चीनी डाल दी है, आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं. थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, 2 चम्मच के लगभग. अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको पानी सूखने तक कंटिन्यू हमें चलाते रहना है. और ये वाली जो कढ़ाई है बहुत पतली है थोड़ी, तो मैं इसको दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि नीचे से जो मिल्क केक है वो जले नहीं. थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है. अब ये देखिए मैंने इसे दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये सूखते सूखते बिल्कुल कितना गाढ़ा हो गया है. इसका पूरा पानी सूख गया है और इसमें अलग से मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना ही घी ना कोई और चीज़. और घर पर इतनी आसानी से ये मिल्क केक बन के तैयार हो गया है. घी छोड़ने लगा है एकदम, बिल्कुल सूख गया है पूरी तरह से. अब हम इसको ठंडा होने देंगे. जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इस तरह के किसी भी डब्बे में आप इसको जमने के लिए रख दें. मैंने यहाँ लंच बॉक्स का एक डब्बा लिया है, उसमें हम सारा ये मिक्सचर डाल देंगे. उसके बाद मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी लगभग 1-2 घंटे के लिए, तभी अच्छे से सेट हो पाएगा. और 1-2 घंटे बाद आप इसको अपने मनचाहे शेप में काट लीजिए. और दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, होली पे, कभी भी आप इस तरह से मिठाई घर में फटाफट से बना सकते हैं. अगर अचानक से मेहमानों के आने का प्लान बन जाए सुबह या शाम को, तो आप इस तरह से ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं. आई होप आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी होगी. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.